परिवर्तनी एकादशी पर भूलकर भी ना करें ये गलतियाँ, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सनातन परंपरा में प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये पावन तिथियाँ भगवान श्री विष्णु की साधना और आराधना के लिए समर्पित होती हैं। मान्यता ये है कि एकादशी के दिन व्रत करने पर जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा शीघ्र ही बरसती है और साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। वहीं सभी एकादशियों में से एक भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्रीहरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता ये है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी की आराधना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से भगवान घर का भंडार सदैव धन धान्य से भर देते हैं। इसके अलावा परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार साल 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि का आरंभ है वो 13 सितंबर को रात 10:30 से होगा। वहीं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। साथ ही परिवर्तनी एकादशी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर की सुबह 7:38 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इसके अलावा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि द्वादशी तिथि के अंदर एकादशी का पारण ना करना पाप के समान माना जाता है। इसलिए इस बार साल 2024 में परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक रहेगा। इसी दौरान एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि परिवर्तनी एकादशी के दिन नियमों के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप इस दिन भूलकर भी कुछ भी ऐसी गलतियां कर देते हैं या फिर आप वो कार्य कर देते हैं जो परिवर्तनी एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, तो आपको पूजा का और व्रत करने का फल प्राप्त ही नहीं होता। आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपको जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूलकर भी आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से विष्णु जी के भक्त 3 जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी का आखिरकार महत्व क्या है। प्रिय भक्तों, परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी और जलजूजनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद प्रभु नारायण कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तिथि को जागते हैं। तो दोस्तों, ये था परिवर्तनी एकादशी का महत्व।
आइए आप जान लेते हैं कि परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि कैसे होती है। प्रिय भक्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब नियमानुसार व्रत रखने के साथ साथ विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाए। इसके लिए आप परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संभव हो तो पीले रंग के कपड़े ही पहनें। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। फिर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। पूजा में विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें और आखिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रेम पूर्वक आरती करें। तो प्रिय भक्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि। चलिए अब जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन कौन से वो कार्य हैं जो आपको भूल से भी बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दातुन मंजन। प्रिय भक्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन दातुन या फिर मंजन करना शास्त्रों में भी वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराइयां करना, ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ऐसा करने से ना केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है और आप पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का भजन कीर्तन करें, उनका नाम जप करें। दूसरा है सोना। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए क्योंकि ये तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु जी के भजन, मंत्र या फिर आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या फिर तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं और आपको हर एक कार्य में सफलता 100% हासिल होती है। तीसरी है चने की दाल। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी तिथि के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको खाने से आपको बचना ही चाहिए, जैसे कि मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों से भी आपको बचना चाहिए। शास्त्रों में परिवर्तनी एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा गया है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी तिथि के दिन इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 4 पर है काले वस्त्र। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार परिवर्तनी एकादशी के दिन भूल कर भी आपको काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। इसी प्रकार पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि भोग लगाने चाहिए। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में लगाया जाने वाले भोग तब तक अधूरा है जब तक आप उस पर विष्णु प्रिय मानी जाने वाली तुलसी दल साथ में नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी दल एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए, अन्यथा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आपको जीवन भर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 5वां है अन्न और जल का सेवन। परिवर्तनी एकादशी व्रत का मुख्य जो नियम है, अन्न और जल का सेवन ना करना। हालांकि कुछ लोग फलाहार करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से व्रत रखने के लिए अन्न और जल का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। इसके अलावा व्रती को द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, अन्यथा आपके व्रत का पारण नहीं माना जाता है। 6, पेड़ों के पत्ते। प्रिय भक्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन पेड़ों से पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। विष्णु प्रिया कहलाने वाली तुलसी मैया के पत्तों को तो भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाने के लिए तुलसी दल हमेशा
एकादशी के एक दिन पहले दिन ढलने से पहले तोड़ लेने चाहिए। ध्यान रहे कि तुलसी मैया के पत्ते कभी भी बगैर नहाए नहीं तोड़ने चाहिए। सातवां है बाल और नाखून। किसी भी माह में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर भूल कर भी व्यक्ति को बाल नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित इस पावन तिथि पर शौर कर्म करने पर व्यक्ति की घर से लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं और उसे जीवन में तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है और उसके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। आठवां है चावल। प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसाने वाली एकादशी व्रत में चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे में जल झूलनी एकादशी के दिन भूल कर भी चावल ना खाएं। मान्यता ये है कि एकादशी के दिन चावल खाने पर व्यक्ति के पुण्य फलों का नाश होता है, जिससे उसको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नवा है मन में नकारात्मक विचार। दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी के दिन मन को शांत रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एकादशी के दिन सिर्फ सत्य ही बोलना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से व्रत का फल नहीं मिलता है। दसवां है क्रोध और हिंसा। मित्रों, परिवर्तनीय एकादशी के दिन क्रोध और हिंसा से आपको बचना ही चाहिए। मन को शांत रखकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी के दिन शराब और अन्य नशीले पदार्थों और मांसाहारी भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्यारहवां, बाल ना धोएं। परिवर्तनीय एकादशी के दिन माताओं बहनों से नम्र निवेदन है कि आपको अपने बालों को नहीं धोना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन व्यक्ति को बाल नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ये है कि ऐसा करने से व्यक्ति को दुख और दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। बारवां है ब्रह्मचर्य। प्रिय भक्तों, अगर आप परिवर्तनीय एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं, बस पूजा ही करते हैं, तब भी शरीर और तन मन में शुद्धता बनाए रखें, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल सत्य सनातन इंस्पिरेशन को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।